अस्सलाम वालेकुम, आई एम शोएब अंजुम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई काम पास्ट में कंप्लीटेड हो गया था उसको कैसे कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोई काम पास्ट में जारी था उसको इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आज की वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल, कोई काम पास्ट में जारी था, जैसा कि वो खाना खा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, बच्चे गेम खेल रहे थे, बारिश हो रही थी, वो अपना खोया हुआ वॉलेट तलाश कर रहा था, मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। इस किस्म के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किस टेंस में किया जाएगा उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। इसका प्रोनंसिएशन वेयर नहीं है, इसको हमको पढ़ना है वर। आप डिक्शनरी रिफर कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में के लेसन में मैंने कहा था कि कंटिन्यू का एडजेक्टिव फॉर्म है कंटिन्यूअस, मतलब जारी रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम हाल में जारी है, पास्ट कंटिन्यूअस जो काम पास्ट में जारी था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखते हैं कि किसके साथ वॉज लगेगा और किसके साथ वर का इस्तेमाल होगा। मैं सब्जेक्ट्स लिखता हूं, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर लगेगा। आई ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे वॉज। आइए दोस्तों एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, जिस तरतीब में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उसी तरतीब से मैं सब्जेक्ट्स को लूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। नंबर वन, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे थे। नंबर टू, वी वर गोइंग टू पुणे, हम पुणे जा रहे थे। उसके बाद देवर। नंबर थ्री, देवर बाइंग अ गिफ्ट फॉर मी, वो मेरे लिए एक गिफ्ट खरीद रहे थे। उसके बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हमको करना है मोर देन वन। फोर्थ सेंटेंस, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग अराउंड, प्ले अराउंड का मीनिंग होता है मस्ती करना, प्ले अराउंड, उसमें आईएनजी लगा है, वो हो गया है प्लेइंग अराउंड। स्टूडेंट्स वर प्लेइंग अराउंड, तलबा मस्ती कर रहे थे। उसके बाद सब्जेक्ट है आई वॉज। वॉज को दो तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, एक वॉज और जब हम स्पीड में इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं वज। उसका प्रोनाउंसिएशन वज, इस तरह भी पढ़ते हैं उसको। फिफ्थ सेंटेंस, आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू सऊदी, मैं सऊदी अरब जाने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद शी ले लेते हैं, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। उसके बाद की एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज वेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। यहाँ पर मैंने दो टेंस को जमा कर लिया है, सेंटेंस को लॉन्ग कर दिया है। वेन आई सॉ हिम, याद कीजिए ये आई सॉ, ये कौन सा टेंस है, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, ये सिंपल पास्ट है, जब मैंने उसे देखा। वेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस, और ये हमारा कंटिन्यूअस है ही वॉज प्लेइंग। वेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस, जब मैंने उसे देखा वो चेस खेल रहा था। एट सेंटेंस, इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा फैल रहा था, अंधेरा हो रहा था। उसके बाद फिर एक सेंटेंस इट से, इट वॉज नॉट रेनिंग, नॉट का इस्तेमाल कर लिया मैंने, बारिश नहीं हो रही थी। टेंथ सेंटेंस, सिंगुलर नाउन अहमद अंजुम कोई भी एक नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। द लाइट वेंट आउट वेन आई वॉज रीडिंग, यहां भी दो टेंस को मैंने जमा किया है। द लाइट वेंट आउट, गो आउट का पास्ट टेंस है वेंट आउट, ये सिंपल पास्ट है। द लाइट वेंट आउट,
और आगे का आई वॉज रीडिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस है. द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई थी. आइए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव कैसे बनता है, कैसे बनेगा. हमको करना क्या है, वेरी इट्स वेरी इजी. सिर्फ वॉज और वर के बाद हमको नॉट ऐड करना है, जिस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद नॉट ऐड किए थे. ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था. हमको कहना है ही वॉज नॉट प्लेइंग, वो चेस नहीं खेल रहा था. ही वॉज, तो वॉज के बाद हमको नॉट ऐड करना है. ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, वो चेस नहीं खेल रहा था. आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था. हमको कहना है मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज के बाद नॉट ऐड करेंगे. आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था. वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे. हमको कहना है कि हम नहीं खा रहे थे, वर के बाद हम नॉट ऐड करेंगे. वी वर नॉट ईटिंग, हम खाना नहीं खा रहे थे. थैंक यू सो मच.